नमस्कार, मैं रविश कुमार। फ्रांस की कंपनी डासो एविएशन से खरीदे जाने वाले रफाल लड़ाकू विमान को लेकर फिर से अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तीनों की ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सौदे का डिटेल नहीं दिया जा सकता है, लेकिन बाद में जब याद दिलाया गया कि रक्षा राज्य मंत्री तो नवंबर 2016 में ही संसद में रफाल विमान का दाम बता चुके हैं। हाल ही में अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस को घेरा है उसके बाद, और जेटली के ब्लॉग के बाद विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने भी लेख लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। हम उन लेख में उठाए गए प्रश्नों और दावों के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रशांत भूषण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। सवाल ये उठता है कि 126 से 36 कैसे कर दिए गए? प्रधानमंत्री को खुद करने का तो कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में तो पहले सर्विस हेडक्वार्टर अपना रिक्वायरमेंट बताती है, तो पहले कभी एयरफोर्स बोले कि नहीं जी हमको 126 नहीं चाहिए, सिर्फ 36 चाहिए। उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, रक्षा मंत्री को भी नहीं पता, कैटेगराइजेशन कमेटी के पास भी फिर से नहीं गया कि भाई अच्छा अब कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, 126 की भी जरूरत नहीं है, 36 ही ले लेते हैं, उन्होंने भी नहीं अप्रूव किया। तो 126 का 36 कैसे हो गया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे हट गया, एचएएल कैसे गायब हो गया, और पिछले दरवाजे से अंबानी आ जाते हैं, ऑफसेट के नाम पर अंबानी आ जाते हैं, और पहले ये कहा जाता है जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था कि इसका दाम 36 का उससे बेहतर होगा जो 126 की डील नेगोशिएट हो रही थी। अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण के सवाल पर सरकार से किसी ने भी जवाब देते हुए ब्लॉग नहीं लिखा है, लेकिन जेटली ने अपने ब्लॉग में सिर्फ कांग्रेस से पूछा है और कांग्रेस के उठाए गए सवालों के कुछ हिस्से का जवाब दिया है। जेटली लिखते हैं कि 10 साल तक यूपीए के समय रफाल की डील की प्रक्रिया चलती रहती है, क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं हुआ? ये एक नया सवाल वो अपनी तरफ से पूछते हैं। क्या यह देरी बोफोर्स की तरह किसी लेन देन के मौके की तलाश के कारण हो रही थी? जाहिर है जेटली इस देरी को राष्ट्रीय सुरक्षा से हुए समझौते से जोड़ना चाहते हैं, तो जेटली को यह भी बताना चाहिए था कि जिस वायुसेना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 126 रफाल विमान चाहिए थे, उसे मोदी सरकार ने जब फाइनल डील की तो 36 विमान की क्यों की? जो सवाल प्रशांत भूषण उठा रहे हैं, 126 की किस प्राइस पर नेगोशिएट हो रही थी, इसका कोई अभी दस्तावेज हाथ में नहीं आया है, लेकिन कई संकेत आ चुके हैं। पहला संकेत, खुद पारिकर साहब ने 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री साइन करते हैं ये अग्रीमेंट हॉलैंड से, 13 तारीख को पारिकर कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई 126 क्यों हटा दिए, 36 क्यों कर दिए, कहते हैं नहीं 126 तो बहुत महंगे होते, सब कुछ मिलाकर उसका प्राइस 90,000 करोड़ होता, यानी कि 715 करोड़ एक हवाई जहाज का दाम। फिर पार्लियामेंट में नवंबर 2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस कह जाते हैं कि भाई ये 36 हवाई जहाज 670 करोड़ पर हवाई जहाज आ रहा है, लेकिन पोल तब खुलती है जब रिलायंस और डेसॉल्ट दोनों अपने स्टेटमेंट्स में कह देते हैं कि ये 36 हवाई जहाज का कॉस्ट 60,000 करोड़ है, यानी कि 1600 करोड़ से भी ज्यादा, और ये भी कह देते हैं साथ में कि इसमें से मेजर चंक ऑफसेट्स का 70% ऑफसेट है उसका 30,000 करोड़, 60,000 करोड़ की डील है, आधा उसमें ऑफसेट है 30,000 करोड़, उसका मेजर चंक रिलायंस को मिलेगा। तब सबके आंख खुलने लगती है कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, पहली बात तो 126 का 36 हो गया,
दूसरी बात, मेक इन इंडिया गायब हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स गायब हो गया, रिलायंस आ गया और हवाई जहाज का दाम 600 से 1600 हो गया। सरकार की तरफ से जो भी दाम बताए गए हैं उसमें समय समय पर अंतर देखा गया है, मगर अरुण जेटली इन अंतरों को छोड़कर राहुल गांधी के बयानों में अलग अलग दामों का उन्होंने मुद्दा उठाया है और उसकी आलोचना की है। इससे पता चलता है कि दोनों तरफ से अलग अलग दाम बताए जा रहे हैं। दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में डील साइन होने के 3 दिन बाद तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। 10 अप्रैल 2015 को डील साइन होने के 2 दिन पहले तब के विदेश सचिव कहते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डील में शामिल है। डासो कंपनी के सीईओ का भी बयान छपता है कि एचएएल प्रक्रिया में शामिल है, लेकिन जब डील साइन होती है 2 दिन बाद तो पहले की सारी प्रक्रियाएं बदल जाती हैं और एचएएल गायब हो जाती है। यह सब प्रशांत भूषण ने पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए थे। अब रक्षा मंत्री ने इस पर खुद से कभी जवाब तो नहीं दिया ब्लॉग लिखकर, ब्लॉग के रूप में, लेकिन उनकी जगह वित्त मंत्री ने ब्लॉग लिखा है। 15 सवाल कांग्रेस से पूछे हैं। ब्लॉग में जेटली बता रहे हैं कि यूपीए के समय 126 एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया 1 दशक तक चली। फिर वो इसी ब्लॉग में क्यों नहीं बताते कि 126 से बात 36 पर कैसे आ गई, जो सवाल प्रशांत भूषण पूछ रहे हैं। जेटली अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि 10 अप्रैल 2015 को भारत और फ्रांस की सरकार ने साझा बयान जारी किया था और भारत ने तय किया था कि पहले से बेहतर शर्तों पर 36 रफाल खरीदे जाएंगे। 13 मई 2015 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दे दी और उसके बाद एक व्यापक प्रक्रिया से गुजरते हुए 23 सितंबर 2016 को डील साइन होती है। प्रशांत भूषण यही पूछ रहे हैं कि क्या एयरफोर्स ने लिखकर दिया कि हमें अब 126 नहीं चाहिए, 36 चाहिए। क्या इसके लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं उनमें फिर से विचार हुआ। जेटली के ब्लॉग से जाहिर होता है कि साझा घोषणा पत्र के ऐलान के बाद 1 महीने बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मंजूरी देती है, तो क्या प्रशांत भूषण सही कह रहे हैं कि सबको अंधेरे में रखकर साझा घोषणा पत्र में ऐलान किया गया। 29 अगस्त के ही ब्लॉग में जेटली लिखते हैं कि क्या राहुल गांधी को पता था कि 2007 में कितना दाम था, क्या राहुल को पता था कि इसकी शर्तों में दाम बढ़ने की शर्तें भी शामिल हैं, जिसके अनुसार 2015 में जब डील साइन किया तो प्रति जहाज दाम बढ़ जाते। एनडीए ने 9% कम दाम पर सौदा किया है। आप देखेंगे कि जेटली भी अपने ब्लॉग में नहीं बताते हैं कि एक जहाज की क्या कीमत है राहुल गांधी की तरह, जैसा कि वो आरोप लगाते हैं। जहाज का दाम पूछा जा रहा है सरकार से तो बिना दाम बताए प्रति जहाज, जेटली कहते हैं कि एनडीए के समय 9% कम दाम पर रफाल खरीदने के का सौदा हुआ है। जेटली इसका जवाब, इस सवाल, कुछ सवालों का जवाब देते हैं कि डील में कोई प्राइवेट कंपनी कैसे आ गई, तो कहते हैं कि यूपीए के समय ही शर्त बनी थी कि जो मूल निर्माता कंपनी है वो भारत में कलपुर्जों की आपूर्ति या रख रखाव के लिए खुद से भारतीय कंपनी को साझेदार बना सकती है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यही जवाब रिलायंस ने भी अपने जवाब में दिया था जो मीडिया को उन्होंने भेजा था, लेकिन जेटली के ब्लॉग से इसका जवाब नहीं मिलता है कि रफाल बनाने वाली डासो एविएशन कंपनी क्यों एक ऐसी कंपनी को साझेदार बनाएगी जिसका इस क्षेत्र में अनुभव नया है और जैसा कि प्रशांत भूषण आरोप लगाते हैं कि वो कंपनी कुछ ही महीने पहले वजूद में आई है। जेटली इस पहलू को नहीं छूते अपने ब्लॉग में। इस बात का जवाब वो जरूर देते हैं कि डील साइन होने से पहले 14 महीने तक प्राइस नेगोशिएशन कमिटी और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमिटी ने इस पर विचार किया था, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई है। अब आते हैं ऑफसेट कंपनियों के चुनाव की बात। तो रिलायंस ने अपना जो जवाब कुछ दिन पहले मीडिया को भेजा था उसका एक हिस्सा यह भी था कि डासो एविएशन उसे अकेले 30,000 करोड़ का ठेका नहीं देने जा रही है, कितना काम मिलेगा इसका ना तो समय आया है ना तय हुआ है। डासो एविएशन ने 100 से अधिक कंपनियों को काम देने के लिए इशारा किया है, इसमें एचएएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों है। जेटली के जिस ब्लॉग को आधार बनाकर एमजे अकबर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम मिलने की बात नहीं है। तो हम यशवंत सिन्हा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे हम पूछना चाहते हैं। यशवंत जी, मेरा सवाल यही है कि आप लोग 36 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात पर क्यों जोर दे रहे हैं, क्या शंका है आपको इस सवाल को लेकर? मैं एक्सप्लेन करता हूं रवीश जी। यूपीए में यूपीए सरकार ने 7 वर्षों तक नेगोशिएशन किया, सारी तैयारी की कि हम
एयरफोर्स के लिए 126 लड़ाकू विमान खरीदेंगे, उसमें से 18 बने बनाए कंडीशन में भारत आने वाले थे और बाकी 108 जो थे उनका निर्माण भारत में होना था। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड जो सरकारी संस्था है उसके द्वारा इसका निर्माण होना था। ये सब कुछ लगभग तय हो गया था, तब सरकार बदल गई। उसके बाद अचानक मोदी जी जब सत्ता में आए तो वो अप्रैल 2015 में पेरिस गए और वहां पर उन्होंने इस पूरे प्रस्ताव को निरस्त करते हुए एक नया प्रस्ताव को ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल किया, जिसमें उन्होंने 36 जो लड़ाकू विमान थे उनको बनी बनाई कंडीशन में हिंदुस्तान लाने का और खरीदने का प्रावधान हो गया। रिकॉर्ड ये दिखाता है कि 126 विमान बनाने का जो खर्च था, रक्षा मंत्री पर्रिकर ने स्वयं कहा वो करीब 90,000 करोड़ रुपया था, और ये 36 विमान जो आ रहे हैं लड़ाकू विमान इनका टोटल कॉस्ट आता है 60,000 करोड़। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि लगभग 1,000 करोड़ प्रति विमान ज्यादा हो गया। फिर एक व्यवस्था है हमारे देश में जिसके अनुसार जो टोटल कॉस्ट है एक्विजिशन का उसका 30% ऑफसेट एक अरेंजमेंट है, जिसमें कि 30% राशि जिसमें 21,000 करोड़ ये हुआ उसका एक्सपोर्ट भारत करेगा। वो एक्सपोर्ट कौन करेगा? तो ये किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को, कम से कम एचएएल को इतना कंसोलेशन प्राइस दिया जा सकता था, लेकिन मोदी जी ने उसको भी निरस्त कर दिया। और रिलायंस डिफेंस जो 10 दिन पहले कंपनी बनी थी, रजिस्टर हुई थी, उसको ये 21,000 का ठेका मिल गया, 21,000 करोड़ रुपए का। तो ये सारी जितनी प्रक्रिया है डिफेंस एक्विजिशन की उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए अकेले प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला किया। और इससे शक पैदा होता है कि सारी प्रक्रिया का अनादर करते हुए, बिना एयरफोर्स से पूछे हुए, बिना रक्षा मंत्रालय से पूछे हुए, बिना वित्त मंत्रालय से पूछे हुए, बिना किसी से पूछे हुए, अचानक मोदी जी को पेरिस में ये सद्बुद्धि कैसे आ गई कि 126 नहीं 36 विमान से ही एयरफोर्स का काम चल जाएगा। अब यशवंत, तो इसमें हमारा आरोप यह है कि अरुण बहुत बड़ा घपला हुआ में लिखा है और इस घपले की जांच होनी चाहिए। जी, अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि प्राइस नेगोशिएशन कमेटी और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी ने 14 महीने तक इस पर विचार किया है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई है। अरुण जेटली जी अर्ध सत्य बोल रहे हैं। ये सारी मंजूरी ली गई जब पेरिस में प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर समझौता कर लिया, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया का अनुसरण हुआ। ये सारी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए थी और पूरा एविडेंस है कि होने तक किसी को भी पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी के मन में ये है। ये सारी चीजें, सारे अप्रूवल्स बाद में लिए गए जब डील हो गया तब। एक सवाल जो हालांकि रिलायंस ने कांग्रेस पार्टी पे जो अनिल अंबानी की कंपनी है मानहानि का दावा किया है, लेकिन रिलायंस ने भी अपने जवाब में ये बात कही है कि दासो एविएशन किसको अपना ऑफसेट कंपनी चुनेगी ये उसके और उस कंपनी के बीच की बात है, सरकार की भूमिका नहीं है। यही बात अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में कही है कि राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि इस किस कंपनी का चुनाव होगा, वहां प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। एकदम ये सरासर मिथ्या है, ये सरासर असत्य है, क्योंकि अभी हाल में एक डील रूस के साथ हुआ, वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, जिसमें रूस की जो कंपनी थी वो ये चाहती थी कि अडानी डिफेंस के साथ उसका ऑफसेट एग्रीमेंट हो, और
भारत सरकार ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, ये ऑफसेट एग्रीमेंट आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ कीजिए। प्रावधान ऑफसेट का जो नियम है उसमें यह है कि ऑफसेट एग्रीमेंट की बात तो छोड़ दीजिए, ऑफसेट में जिस जिस चीज का निर्यात होगा उस हर चीज को फाइनल स्वीकृति रक्षा मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। तो ये कहना कि ये उनके दोनों के बीच का मामला है सरासर मिथ्या है। और अरुण जेटली जी का जहां तक सवाल है, मैं ये कहूंगा कि वो FIPB जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उसके वो अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री के नाते, और उसमें उन्होंने इस जो कंपनी का साझा समझौता हुआ है दासो के साथ उसका उन्होंने अप्रूवल दिया। तो ये कहना कि हमको तो पता भी नहीं था, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। जी यशवंत जी, हमारा सवाल ये है कि एमजे अकबर जो विदेश राज्य मंत्री हैं उन्होंने एक बात कही है कि 30,000 करोड़ जो ऑफसेट कंपनियों को काम मिलेगा वो अभी नहीं मिलेगा, कुछ साल के बाद मिलेगा जब जरूरत होगी। तो इसके 72 कंपनियां हिस्सेदार हैं, तो ये आरोप लगाना कि इनमें से किसी एक कंपनी को 45,000 करोड़ का मुनाफा देने की बात हुई है, ये तर्कसंगत नहीं लगता, कॉमन सेंस से ये बात बेबुनियाद लगती है। दूसरी बात यह है कि ये भी बात आ रही है कि जो 72 कंपनियां हैं उसमें DRDO भी है और भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी है ऑफसेट कंपनियों में, यानी कि उसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। नहीं, ये एमजे अकबर सही बात नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि दासों के साथ जो 36 लड़ाकू विमान का डील हुआ है उसका टोटल कॉस्ट, ये रिलायंस ने भी कहा है और दासो कंपनी ने भी रिवील किया है कि वो लगभग 60,000 करोड़ रुपया आता है। 60,000 करोड़ में 30% ऑफसेट है, मतलब वो लगभग 21,000 करोड़ आता है। तो ये 80,000 करोड़ की बात कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। हम लोग ये कह रहे हैं कि 21,000 करोड़ का ऑफसेट अरेंजमेंट जो है वो रिलायंस डिफेंस को दिया गया है, नंबर एक। नंबर दो कि उसमें 72 कंपनियां हैं, ये कहां किसको पता है, ये बिल्कुल ये भी सरासर गलत है कि इसमें DRDO भी है, HAL है, नहीं। जो एग्रीमेंट हुआ है वो रिलायंस डिफेंस और दासो कंपनी के बीच में हुआ है, इसमें तीसरी कोई पार्टी है एक ही कंपनी के बीच में हुआ है, 72 या 100 कंपनियां नहीं है। कैसे पता है कि 21,000 करोड़ ही एक कंपनी को दिया गया है और इस बात में बिल्कुल दम नहीं है कि 72 कंपनियों में इसका हिस्सा बटेगा इस काम का? नहीं, वो कहां है कंपनियां, वो एमजे अकबर तो रक्षा मंत्रालय में नहीं है ना, वो तो विदेश मंत्रालय में है। और दूसरी बात कि सरकार की तरफ से कहां यह दावा किया गया है कि 72 कंपनियां हैं और किस कंपनी को कितना मिला है। इसलिए हम लोगों का जो अभी तक पब्लिक डोमेन में जो बात आई है वो ये आई है कि दासो कंपनी का रिलायंस के साथ हुआ है, 60,000 करोड़ अगर टोटल डील है या देयर अबाउट्स, तो उसका 30% करीब 21,000-20,000 करोड़ बनता है, वो पूरा जिम्मा रिलायंस डिफेंस के जिम्मे है। ठीक है, इसमें मीडिया में भी है रिलायंस डिफेंस का अपना जवाब। पर यशवंत जी, एक जो बात है कि अरुण जेटली जब ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसमें राहुल गांधी के बयान को निशाना बनाते हैं कि राहुल गांधी अलग अलग मौके पर जहाज की कीमत अलग अलग बताते हैं, 520 करोड़ से लेकर 600 करोड़ कुछ बताते हैं, आप लोग 1600 करोड़ बता रहे हैं, करीब करीब आपके हिसाब से 1000 करोड़ प्रति विमान ज्यादा। हालांकि ब्लॉग में आपके लगाए गए आरोपों का कोई जवाब नहीं है, राहुल गांधी या कांग्रेस के लगाए आरोपों का जवाब है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दाम की पृष्ठभूमि किस तरह से, किस आधार पर जनता के सामने आप लोग रख रहे हैं। देखिए, अगर पूरे डील का 36 लड़ाकू विमान का टोटल डील अगर 60,000 करोड़ के आसपास है तो प्रति विमान 1600 करोड़ से कुछ ज्यादा होगा। ये तो आसानी से गणित से आदमी इस नतीजे पर पहुंच सकता है। और इसी सरकार ने एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में कहा था
2016 में कि हाँ ऐसा डील हुआ है और सब चीजों से सुसज्जित इन लड़ाकू विमानों में एक विमान का दाम 670 करोड़ रुपया है, मात्र 670 करोड़। ये 2016 में रक्षा राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट को जवाब दिया है। तो ये जब पूरी तरह से सुसज्जित विमान का ये है तो ये एक्स्ट्रा बढ़ के 60,000 करोड़ या 1600 करोड़ प्रति विमान कैसे हो गया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है और अर्ध सत्य का सहारा लेकर जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास सरकार कर रही है। और हम लोग अगर इस पर बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता के पास सही जानकारी पहुंचे। पर अरुण जेटली ने तो यह भी लिखा है कि 9% कम दाम पर खरीदा है उन्होंने जहाज, जो यूपीए के समय तय हुआ था उसकी तुलना में। तो उनसे कोई पूछे ना कि दाम बताओ, प्रति विमान दाम क्या है ये बताओ। एक ये लोग सहारा लेते हैं रवीश जी कि बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, एक गोपनीयता का समझौता है भारत और फ्रांस के बीच में, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस नाम के न्यूज़पेपर में सुशांत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा कि भारत के लिए जो खास चीजें उसमें इस विमान में लगाई जा रही हैं उनकी संख्या 13 है और उसके मुख्य मुख्य क्या अंश हैं वो सब उन्होंने लिख दिया है। और ये भी साथ साथ कहा है कि वो वही इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स हैं जो यूपीए के टाइम में तय हुई थी, उसको चेंज एनडीए ने नहीं किया है। और पेरिस में जो समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि जो पहले उन्होंने दासों ने बताई थी कीमत, उससे कम कीमत में हम लेंगे। तो कीमत कैसे बढ़ गई उसका एक्सप्लेनेशन ये लोग देते हैं कि कीमत इसलिए बढ़ गई कि उसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स या एड ऑन्स हैं, तो वो तो पहले से तय है। तो इसलिए ये सब इतना झूठ बोला जा रहा है जिसमें कि इतना कंफ्यूजन हो जाए कि किसी को सत्य का पता ही नहीं चले। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा जी इस पर जानकारी देने के लिए, आप हमसे बात कर रहे थे, धन्यवाद।